गाइस, वी रीच न्यू दिल्ली. दिल्ली में हम लोग हैं, वो एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलने वाला है बिकॉज हम लोग अभी मतलब हमारी कार ऑलमोस्ट आई गई है और हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए. सो यू कैन सी द ट्रेन बिहाइंड मी. ये वही ट्रेन है जिसमें से मतलब हम लोग उतरे हैं. बहुत भीड़ थी, बाप रे, मतलब आधी ट्रेन न्यू दिल्ली में ही उतर गई है. एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी टू बी हियर. एंड द थिंग इज कि मुझे मतलब न्यू दिल्ली में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था. द बिगेस्ट थिंग इज़ कि मुझे सरोजिनी मार्केट एक्सप्लोर करनी थी, जो कि मतलब मुंबई में जैसे हिल रोड फेमस है वैसे न्यू दिल्ली में सरोजिनी मार्केट फेमस है, एज यू ऑल नो. तो जो हमारी ट्रेन है वो 11:30 को न्यू दिल्ली आने वाली थी एंड अभी बज रहे हैं 10:30. हम लोग एक घंटे जल्दी आ गए. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम एंड देन विल गो टू हर. रीज़न व्हाई आई डिडंट शूट इज दिस. दिस इज़ द लगेज, बहुत ज़्यादा था एंड वी केम फ्रॉम हियर. बहुत भीड़ थी, बाप रे. लुक लाइक इट्स जनरल डिब्बा बट इट्स नॉट. तो अभी हम लोग हैं कार में एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार. आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज स्टेयरिंग एट मी. सो अभी टाइम हो रहा है 12 PM एंड ऑफ कोर्स उधर जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगेंगे हम लोग को. सो अभी पीछे हम लोगों ने इंडिया गेट भी देखी, जो कि मतलब ऐसे रास्ते में दिख गई थी. सो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, वीडियो भी नहीं ले पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं 5-6 घंटे का रास्ता, तो मैं तो सो जाऊंगी. सो अभी हम लोग एक आगे एक होटल पे रुकने वाले हैं. फिलहाल पानी लेने के लिए रुका है, तो आगे होटल पे रुकेंगे एंड देन विल ऑर्डर फूड एंड खाने के बाद निकलेंगे फिर से. बाय. Let me show you the food. It looks so tasty. So this is paneer makhani. This is tandoori roti and naan. 2000 years later. Hey guys, so we reach our hotel and not bad. मतलब अच्छी hotel. Let me give you a room tour. Okay, wait. So this is the door we came from. This is how it is. Like it's small, बस हमें एक ही रात निकालनी है. सो विल मैनेज. दिस इज द बेड एंड दिस इज द वॉशरूम, दैट्स इट. सिर्फ इतना ही रूम है बट इट्स ओके, इट्स गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई से दिल्ली के लिए पूरे 24 आवर्स ट्रेन में गए एंड देन दिल्ली से हरिद्वार के लिए 6 आवर्स कार में गए. द थिंग इज कि अभी आधे एक घंटे में हमें फ्रेश होके निकलना है हर की पौड़ी घाट पर, हर की पौड़ी घाट पर गंगा आरती के लिए. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट. सो लेट मी जस्ट गो एंड गेट रेडी एंड देन आई. गाइस, एज यू कैन सी आई एम ऑल रेडी एंड इग्नोर द क्वालिटी बिकॉज ये रूम में इतनी लाइट्स है नहीं. सो बिकॉज ये रूम में इतनी लाइट्स है नहीं, सो उसकी वजह से थोड़ी अजीब क्वालिटी लग रही है. एंड द थिंग इज कि हमें लेट हो गया है. जो आरती है वो 6 बजे चालू होती है, तो हमें 5:30 को तो जाके रुकना पड़ता है सो दैट हमें जगह मिले देखने के लिए. लेकिन अभी बज रहे 7. लेट्स गो. इसका डर था वही हुआ. आरती स्टार्ट हो गई है एंड वी मिस्ड इट. और भीड़ बहुत है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा नज़दीक जाके. फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोटोशूट करने आए हैं. लेट मी शो यू, लुक एट दिस. सो यहाँ पे फोटोज करने के बाद यहाँ पे पीछे है जहाँ पे आरती हो रही है, मैं दिखाती हूँ बाद. Thank you.
यहाँ पे हो रही है आरती जो कि हमने मिस कर दी। गंगा, लुक एट द स्पीड ऑफ गंगा रिवर। ये जो घड़ी है इसकी वजह से इस जगह का नाम है हर की पौड़ी और ये गंगा घाट है। बैक होम, होम नहीं मतलब होटल। तो अभी टाइम हो रहा है 8:42 PM एंड जो हमारा डिनर है वो 9 और 9:30 को होगा। तब तक हम लोग लाइक फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। हम लोग लेट हो गए थे सो उसकी वजह से हम लोग का मतलब जो गंगा आरती थी वो देख नहीं पाए। वी मिस्ड इट, मतलब हम लोग गए और ख़त्म हुई ऐसा हुआ। गुड पार्ट इज कि हमें मतलब आरती तो मिली बिकॉज वहाँ पे लोग मतलब जो भी आरती करते हैं वो लोग ऐसे ही मतलब आरती लगे घूमते। सो जो जो लोगों की छूट गई हो आरती दे कैन मतलब टेक। और हमारे पास और एक भी ऑप्शन है विच इज़ कि हम लोग ऋषिकेश जब जाएंगे तब ऋषिकेश में हम लोग गंगा आरती देख लेंगे। तो हरिद्वार की मिस हो गई है सो हम लोग ऋषिकेश में ट्राई करेंगे कि इस बार लेट ना हो। तो गाइस मिलते हैं डिनर के टाइम। गाइस वी गॉट आवर डिनर, इट्स टाइम टू इट। आई एम सो हंग्री, आई विल शो यू हाउ इट इज लुकिंग। डिनर इन बेड बी लाइक। सो हे गाइस, डिनर डन हो चुका है एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड एज यू कैन सी मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया है बिकॉज वी आर सो टायर्ड। आई डोंट नो व्हाई, ना ही ट्रैकिंग किए ना ही कुछ, बट स्टिल वी आर टायर्ड। सो अभी जो भी होगा मॉर्निंग में कर लूँगी रिमूव, इट्स ओके। आई एम थिंकिंग कि ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। जो भी मतलब कल का व्लॉग रहेगा उसको मैं अलग से आई गेस वीडियो बनाऊँगी। तो हे गाइस, हम लोग निकल गए हैं फाटा जाने के लिए। रास्ते में देवप्रयाग भी आने वाला है। तो भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम होता है। लुक केदारनाथ जाए।